माचिस की तीली तो नहीं, वही तो जवाब फिर मैच नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं चीज समझ नहीं आई ना। आई डोंट नो, कुछ भी नहीं आ रहा माइंड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान एस्टर महमूद गिल और आप देख रहे हैं जिना न्यूज़। नाज़रीन आज फिर मैं यहाँ शॉपिंग सेंटर में आई हूँ और यहाँ मैं लोगों से करूँगी कॉमन सेंस का सवाल और करूँगी लोगों की कॉमन सेंस चेक। आज जो मैं सवाल लाई हूँ बहुत ही आसान है। आज का सवाल मेरा यह है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकते। अगर आप भी जवाब जानते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक मैं जानती हूँ सेंटर में आए हुए लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महानूर। महानूर क्या करते हैं? स्टडी। स्टडी करते हैं। हम कॉमन सेंस चेक करें? चेक कर लें। है बिल्कुल है। शॉपिंग करने आए थे, कर ली? नहीं अभी तो स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता। आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता। जी क्विट। आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता। हाय ला ये वाला खड़ा इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से बता दें। अच्छा चले आप मुझे जल्दी से कुछ जोक सुना। जोक नहीं सुना सकती मैं? नहीं सुना सकते? नहीं। शेर सुना? शेर भी नहीं सुना। गाना सुना? गाना भी नहीं सुना। फिर मुझे इसका जवाब ही बता दें, कोई तुक्का ही दे दें, कोई तुक्का ही मार दें। किसका तुक्का? सवाल का। माचिस की तीली तो जल जाती है, मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता ये सब बातें। सच्ची बताऊं मैं, टीचर वाला माइंड यूज करें। सवाल अच्छा है? सवाल तो बहुत अच्छा है, जवाब भी बहुत अच्छा देंगे आप इंशाल्लाह। भाई पानी तो लकड़ी को नहीं डुबो सकती। लकड़ी को पानी डुबो नहीं सकती। हाँ और आग किसको नहीं? लेकिन आग तो जला देती है। हाँ वही तो जवाब फिर मैच नहीं हो रहा है ना। आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकती। पानी होगा? पानी जी। लेकिन पानी से तो आग बुझ जाती है ना, ये तो आग जला ही नहीं सकती ना इस चीज़ को और पानी डुबा नहीं सकता। तो पानी में कौन सी चीज़ है जो नहीं डूब सकती? गुरूर? एटीट्यूड। एटीट्यूड को कोई जला नहीं सकता? नहीं। पानी भी नहीं? नहीं। बहा भी नहीं सकता? बहा भी नहीं सकता। नहीं लेकिन वो तो उस बंदे के होगा ना जिसपे एटीट्यूड होगा ना। आप में एटीट्यूड है ना मुझ में एटीट्यूड है। हम में तो नहीं। इतना ही जवाब आता है अभी? ऐसा लगा आपको? यहाँ तो बहुत अच्छा है, हम अक्सर यहीं से शॉपिंग करते हैं। यहीं से शॉपिंग करते हैं अक्सर तो। कैसा एनवायरनमेंट लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे वैरायटी अच्छी है। अच्छी वैरायटी है, अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जगह अच्छी है, जगह अच्छी है। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सुपीस का ख्याल रखा जाता है। रखा जाता है यानी एनवायरनमेंट तो अच्छी है ना यहाँ की, हर चीज़ भी अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं। मेरे ख्याल से आइस हो सकता है। आइस तो जलती है ना, अगर कहीं धुआं हो या आग ज़्यादा करीब हो जाती है, पिघल जाती है। आइस तो सेंसिटिव है ना। और मान बताओ क्या हो सकता है, तुक्का बता दो। का मार दे मुझे नहीं समझ। चलो कोई गाना सुना। गाना इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाए, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। परफ्यूम? नहीं परफ्यूम। परफ्यूम तो हम लगाते हैं, उसकी तो खुशबू होती है। चले मैं आपको इसके बदले शेर सुना देती हूँ। शेर सुना दे। नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। इकबाल का शेर है। थैंक यू, थैंक यू। मैं तुक्का नहीं लगाना चाह रही ना, मैं सही राइट बिल्कुल आंसर देना चाह रही। आप तुक्का लगा दे, हो सकता है आपका तुक्का बिल्कुल राइट लग जाए। अच्छा आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता। पता नहीं, पता नहीं इसका जवाब है। पता नहीं, पता नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो बता दो। बर्फ? जी। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि आज का जो हमारा सवाल था बहुत ही आसान था और इसका जवाब है बर्फ। बर्फ ही है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान एस्टर महमूद गिल को दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह नए सवाल के साथ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।